नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली NCR में तेज बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव, आवागमन में बाधा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव हो गया, जिसे आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में ITO के पास और आजादपुर अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण आजादपुर अंडरपास को बंद करना पड़ा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि इन रास्तों पर जाने से बचें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ढेर किए जैश के 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। त्राल के जंगल वाले इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के नाग बैरान त्राल के वन क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इसी बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। इससे पहले कल पुलवामा जिले में ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या में स्टेशन के लिए जमीन फाइनल करने के साथ पत्थर भी लगा दिए हैं। बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। इस परियोजना के तहत 941.5 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जाएंगी। इसका रूट दिल्ली से आगरा, लखनऊ प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक होगा। लखनऊ से अयोध्या के लिए 130 किलोमीटर पटरियां अलग से बिछाई जाएंगी। दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग-अलग बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। देश में कोरोना के 34,288 नए केस, केरल में हालात अभी भी चिंताजनक। देश में एक दिन में कोरोना के 34,288 नए केस सामने आए हैं, जबकि 36,248 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 376 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से अब तक 4.33 लाख लोगों की मौत हुई है। केरल में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य में एक दिन में 20,224 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 17,142 मरीज रिकवर हुए और 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके विपरीत महाराष्ट्र में एक दिन में 4,365 लोग कोरोना से संक्रमित मिले और 105 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में केवल 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान 23 लोग ठीक हुए, जबकि 2 मरीजों की जान गई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं विरोधी। अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद तालिबान के सरकार बनाने के प्रयासों को झटका लगना शुरू हो गया है। स्थानीय विरोधी गुटों ने तालिबान के कब्जे से बागलान प्रांत के 3 जिलों को आजाद कर लिया है। इसमें पोल ए हैसर, हेड सहाल और बानो जिले शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस लड़ाई में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। स्थानीय विरोधी गुट अब तेजी से डेस अलाक के जिले की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के सभी प्रमुख बड़े नेताओं के काबुल में होने के कारण तालिबान लड़ाके नेतृत्व विहीन स्थिति में है, जिसका फायदा विरोधी गुटों को मिल रहा है। तालिबान पर ब्रिटेन के बदले सुर, PM जॉनसन बोले जरूरत पड़ी तो साथ करेंगे काम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान मसले का कोई स्थायी समाधान निकले, इसके लिए हर स्तर पर कोशिश जारी रहेगी। अफगानिस्तान को मजबूत बनाना हमारी प्रतिबद्धता है। अफगानिस्तान में कई दिनों से ब्रिटेन अपने लोगों को वापस लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने ब्रिटेन के लिए काफी कुछ किया है, ऐसे में उनकी मदद करना हमारा दायित्व है। पाकिस्तानी सेना की कैद में है तालिबान चीफ हैबतुल्ला अखुंदजादा, खुफिया एजेंसियों ने दिए संकेत। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भी अभी तक संगठन के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा का पता नहीं चल सका है। इस बीच विदेशी इंटेल के हवाले से एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि तालिबान चीफ हैबतुल्ला अखुंदजादा पाकिस्तानी सेना की कैद में हो सकता है। हैबतुल्ला अखुंदजादा को बीते 6 महीने से तालिबान के सीनियर नेताओं और लड़ाकों ने नहीं देखा है। आखिरी बार उसका बयान मई में रमजान के मौके पर आया था। तालिबान के पूर्व नेता अख्तूर मंसूर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद मई 2016 में हैबतुल्ला अखुंदजादा को तालिबान का चीफ नियुक्त किया गया था।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।